हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। अभी हो रहे हैं शाम के करेक्ट 8। बच्चे खाना खा चुके हैं और उस दिन पहले बहुत सारे पोमेग्रेनेट लाए थे, ये अनार लेके आए थे, तो मैं छील के देना भूल रही थी, तो मैंने बोला थोड़े से अभी निकाल, थोड़े उसको आदित्य को खाने के लिए दे दिए। बीच बीच में ये भी छोटा वाला भी एक एक खाता रहता है। और यहाँ पर मैं ये देखो एक निकाल चुकी हूँ, थोड़े से हैं इसमें और बाकी भी निकाल रही हूँ। तो पोमोग्रेनेट के जो छिलके होते हैं, बहुत लोग को निकालना आता ही होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो जिनको नहीं आता है उन लोग के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको अनार छीलना है, बहुत ही विद इन 2 मिनट्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो अनार का ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो चोंच रहती है, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है इस तरह से। मतलब बहुत अंदर धंसना नहीं है, ऊपर ऊपर से निकालना है खाली, मतलब कट मार के ऊपर का छिलका निकाल देना है। ये देखिए ऐसे करके अंदर का कुछ नहीं कटा और ये ऊपर से मैंने निकाल लिया। तो अभी उसके बाद आपको ये पार्टीशंस दिख रहे हैं ना जो यहाँ पे, उस पार्टीशन के सामने सामने थोड़ा ऐसे लाइन मारनी है, जैसे हमने वो छीला है ना सेम उसी तरह से लाइन मार देनी है। और अभी लाइन लग गई है, ये छोटे छोटे हैं इसलिए 4 ही लाइन्स आई है। थोड़े अगर बड़े भी होते हैं और अगर जो ये पार्टीशन से ज़्यादा होते हैं, तो जितने पार्टीशन है उतना लगाना है। अब धीरे धीरे तो एक ही बार में खींच नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खोलना है, ये फूल की तरह खुल जाएगा। ये देखिए ये फूल की तरह खुल गया, ये जो बीच का है उसको निकाल लेना और ऐसे झाड़ लेना है। अब इसको उल्टा करके अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेना है और एक ऐसा लकड़ी का स्पैचुला ले लो या जो कटे नहीं और लगे नहीं वैसा वाला लेके बस इसको मारना है। और मारते ही आप देखना नीचे झड़ते रहेंगे। और ये जो हमने एक एक पार्टीशन है उसको पकड़ के एक बार ऐसे झाड़ लीजिए तो अच्छी तरह निकल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे झाड़ा और ये पूरा निकल गया। तो जो ज़्यादा पक जाते हैं या ख़राब होते हैं वो रह जाते हैं, वरना मैक्सिमम जो भी अच्छे ताज़े होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। देखिए पूरा सफाचट हो गया, क्लीन है एकदम और विदाउट कचरा पूरा आ जाता है। बहुत ही मतलब कचरा ना के बराबर है। और अगर आप नॉर्मल ही छीलने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको भी निकाल देती हूँ। देखिए सारे निकल चुके हैं। तो जितना टाइम आपको इसको देखने में लगाना है उतना ही निकालने में लगा है, तो बहुत ही सिंपल वे है। अच्छा लगा कि नहीं बताना? आप अभी तक ऐसे ही ट्राई करते थे कि कोई और टेक्निक थी? अगर कोई और टेक्निक है तो वो भी बताना कि कैसे करते हैं, शब्दों में समझ जाएंगे हम। तो ज़्यादा भी निकाल के नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में भी रखते हैं तो ना फिर भी टेस्ट उसका थोड़ा अलग हो जाता है। तो अभी खा रहा है वो ऑलरेडी आदित्य, तो ख़त्म ही हो जाएंगे। और भी है अनार, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आप और क्लियरली चाहते हैं तो वो भी दिखा दूंगे, अनार है काट देंगे, है ना। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आई एम बैक अगेन। ये जो साउंड आई वो इसकी है। तो मैंने मेन बॉइल क्या किया है, इडली, कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए इडली बनाऊंगी, तो उसके दाल वाल पीस के रखी है अभी, और उसमें जो रवा मिलाना था सब मिला के रखा है।
तो इडली के लिए जनरली जो है सब लोगों से इतनी अच्छी बनती नहीं है वो, इसलिए क्योंकि उसी टाइम पे पीस के उसी टाइम पे डाल देते हैं उसको, जो है रखते नहीं है रात भर। तो अभी यहाँ पे अभी नॉर्मल दिख रहा है ना ये, सुबह तक ये फूल के ऊपर तक आएगा। तो जब आपकी दाल उस टाइप का, मतलब बैटर उस टाइप से हो जाता है, तब आपकी इडलियाँ अच्छी आती है। तो ये सब करते करते मैं पसीने में नहा चुकी हूँ, तो मुझे अभी थोड़ा फ्रेशअप होना है और चेंज करना है। और डिनर जो मेरा था, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा खाया आज, इतना सा चावल खाया है, लेकिन धीरे धीरे बंद करेंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्टॉप एवरीथिंग ऑल ऑफ अ सडन। और मेरे फेस पे डार्क सर्कल्स बहुत आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, एक्चुअली नींद पूरी नहीं हो रही है मुझे, मैं दिन में सोती नहीं हूँ, रात को सोते सोते लेट हो रहा है, तो सोना पड़ेगा। तो अभी किचन भी हम पूरे सफाई जो कर चुके हैं किचन की, तो अभी हम फ्रेश अप होके ज़रा चेंज करके सो जाते हैं और कल सुबह मिलेंगे, वरना अभी भी बात बतियाते रहे ना हम तो फिर सोने में लेट हो जाएगा। चलिए फिर, वन गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे बन रहा है फिश फ्राई, जो कुछ टुकड़े यहाँ पे बन चुके हैं जो इसमें डाल दिए हैं, और यहाँ पे जो है दाल बन चुकी है, दाल पतली वाली दाल। और अभी अभी बिग बास्केट से बहुत सारा सामान आया है जो मैंने बुक किया था। तो यहाँ पे देखिए वो धोने वाले बर्तन हैं, और ये सारा सामान अभी आया है जो अरेंज करना है, और उसके बाद जो है थोड़ा ड्रेस चेंज करके योगा करना है। तो मैं जस्ट एक बार बिल चेक कर रही थी, इसमें जो भी है पूरा मिला के 2000 हुआ है पूरे आइटम्स का। तो एक्चुअली अच्छा प्राइस है, जो दुकान पे या सुपरमार्केट में मिल रहा है उससे भी सस्ता मिल रहा है। प्याज आजकल जो यहाँ पे बेचने आते हैं वो 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बेच रहे हैं एक एक जगह पे, जहाँ से हम लेने जाते हैं वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कोई सुपरमार्केट में भी उतने ही रुपये का बिक रहा है। ओ लाइट गई, लेकिन लेकिन इसमें मैंने 5 KG लिया है जो 99 रुपीज़ का है, तो है ना चीप। और बाकी टमाटर वमाटर सब्जियां भी सब सस्ती है, और बाकी सब आइटम तो बहुत ही अच्छे प्राइस में। एक मिनट रुको, सारे आइटम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। और सत्यवती भी आ गई है, अपना काम कर रही है, और अभी मेरे को ये मेरा भी खाना मैक्सिमम बन गया। आज शाम के लिए वैसे कुछ बनाया नहीं है, ओनली दाल और वो फिश फ्राई बनाई है। तो जिसने अभी तक बिग बास्केट ट्राई नहीं किया है वो ट्राई कर सकते हैं। भैया मेरे को कोई बिग बास्केट वाले पैसे नहीं दे रहा है जो आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ बिग बास्केट को रेगुलरली। मतलब मैं बिग बास्केट से हर महीने नहीं मंगाती हूँ, 2 महीने में एक बार मंगाती हूँ, क्योंकि हर महीने सारे सामान नहीं ख़त्म हो जाते ना, जैसे सूजी हो गई, आटा हो गया, हर महीने ऐसे ख़त्म नहीं हो जाता, एक बार स्टॉक मंगा लिया तो रहता है। तो पूरा स्टॉक जो है 2 महीने में जब ख़त्म होता है तो मंगाती हूँ, बीच में अगर एक आध आइटम ख़त्म हो जाता है तो यहीं लाइट आ गई, नज़दीक से सुपरमार्केट से लेके आ जाते हैं। और सुनाई दे रहा है कि नहीं, पंखा बहुत स्पीड चल रहा है क्योंकि अभी भी पोछा लगा के गई हो सत्यवती। तो बहुत सारे खिलौने बुरी तरह हो गए, आपने देखा है ना जब ये बच्चे फैला देते हैं वो कवर्ड खोल के हॉल का, तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो मैंने सत्यवती से पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे कोई छोटे बच्चे हैं क्या, खिलौने चाहिए क्या, तो सॉर्ट कर देंगे अभी थोड़ी देर में, तो लेके चले जाना थैला भर के। उन्होंने बोला ठीक है, तो अगर अभी ख़त्म हो जाता है जल्दी काम तो सॉर्ट करेंगे अपन। जो है पूरा काम ख़त्म, जो भी पुराने वाले खिलौने थे, मतलब पुराने मतलब छोटे 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 थोड़े वो जो आवाज़ करते वो, और छोटे छोटे हाथी घोड़ा ये सब, तो खेल तो नहीं रहे थे, बस निकाल के पूरा फैला दे रहे थे, वो सारे मैंने दे दिए कि अपने गली के बच्चों में बांट देना, तो लेके चलिए। और लिख के दे दिया क्योंकि गेट के पास जो है
फिर लेके जाने नहीं देते बाहर, अगर मेड्स कुछ लेके जा रही होती है तो लिख के देना पड़ता है उनको कि किसके घर से सामान लेके जा रहे हैं, तो वो सब लिख के देते हैं। अभी चले गए, अब मैं आती हूँ थोड़ी देर में, बस ड्रेस चेंज करके योगा स्टार्ट करते आज का योगा, डे टू वाला योगा। तो जब आप ये फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं 6 योगा के आसन या जो भी दिखा रही हूँ आप सारे के सारे करें, आप उसमें से 3-3 करके और ड्यूरेशन बढ़ा के उसी को ज़्यादा देर भी कर सकते हैं, और जो मैंने दिखाए हैं वो आप नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3-3 योगा आसन लेके भी आप कर सकते हैं, या तो 6-6 भी कर सकते हैं, मतलब आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो आज करीबन मैंने आपको 6 या 7 मतलब नए वाले 5 दिखाए, और उसके अलावा आप पुराने भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो आलोम विलोम वाला आसन है वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में, मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग में आपकी मदद करता है, तो मैं वो लास्ट में करती हूँ ताकि प्रॉपर ब्रीथिंग हो जाए और फिनिशिंग में जो है पूरा डिस्कम्फर्ट कुछ ना रहे, इसलिए मैं वो लास्ट में करती हूँ। तो यू कैन ऑल्सो डू सो, देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू शुड फॉलो इन द सेम वे, जो मैंने दिखाए आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो जो ये जो पैर स्ट्रेच वाला जो था ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो राइट साइड में जब किया तो इजीली हो गया, लेफ्ट साइड में करते टाइम थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो जब भी आप स्विच करते हैं एक आसन से दूसरे आसन में, देन यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो उसके बीच में। तो हो गया ये हमारा योगा आज का। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि आपके साथ हमने भी ये जो है स्टार्ट कर दिया है, तो इट फील्स सो गुड दैट यू नो पीपल आर फॉलोइंग दिस, एंड एक किसी की इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत बन पाओ, हमको देख के दूसरे लोग शुरू करते हैं, हम किसी और को देख के शुरू करते हैं, तो मेरी इंस्पिरेशन कोई सामने वाली बिल्डिंग मेरी इंस्पिरेशन हो गई, और आप लोग की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं हो रही हूँ। तो ऐसे ही हर काम में किसी ना किसी को थोड़ा बहुत साथ दे देना चाहिए, थोड़ा बहुत इंस्पायर कर देना चाहिए, नाउ नॉट ओनली एक्सरसाइज बट अदरवाइज टू। तो ये था पूरा योगा का रूटीन, तो मैं ऐसे कर रही हूँ तो ऐसे ऐसे वाला भी याद आया, थोड़ा आँखों को भी रिलैक्स कर देता है, और ये ऐसे गर्म करके हाथ ऐसे लगाओ तो और भी रिलैक्स हो जाएगा, तो वो बाद में भी कर सकते हैं, मेरे को याद आया इसलिए कर रही हूँ। और अभी आपने देखा था ना कि किचन में कितने सारे पैकेट्स पड़े हैं, जो भी बिग बास्केट से आए थे वो सारे अरेंज करने हैं, और यार ग्रॉसरी अरेंज करना भी बहुत बड़ा काम है, तो जो आइटम्स खाली हो गए उनको उसके डब्बे में डालना है, और बाकी मेरे बास्केट्स का आपने देखा होगा स्टोरेज बॉक्सेस, बाकी वहाँ मैं सेग्रीगेशन है ऑलरेडी तो बहुत इजीली रख देती हूँ, अगर सेग्रीगेशन वैसा नहीं बनाया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे जो न्यूज़ का सब्सक्राइबर्स है उनको मैं दिखा दूँगी वो, तो अभी ऐसे डब्बे यूज़ कर लेना। और अभी जो है इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो किसी भी मोमेंट ये स्विच ऑफ हो सकता है, तो मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन यूज़ करूँगी, नहीं तो इसको चार्जिंग लगाऊँगी, देखते। चलिए फिलहाल तो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम आफ्टर सो मच ऑफ बॉडी स्ट्रेचिंग,
तो जैसे मैंने रात को बताया था कि सुबह इडली बनाने वाले हैं, तो इडली हाँ ये देखो इडली, ये वाली जो है वो मूंगफली की चटनी है, और ये दाल सोच रहे होंगे वो दाल नहीं है, वो बेसन की चटनी होती है, बेसन की बनती है, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो वो है और इडली है। ये मेरे हस्बैंड का प्लेट है, उनको दे रही हूँ और मैं भी इडली खाऊंगी, तो खाऊंगी अगर अच्छी लगी तो एक और चट कर लूँगी। और अभी अपने लिए भी डाल के खा लेती हूँ और इस पे चार्जिंग पे लगाती हूँ, क्योंकि बार बार ना ये टी 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 करे जा रहा है। एवरीवन, तो मैंने सोचा था जब मैं ग्रॉसरी वॉसरी अरेंज कर रही हूँ कि तब मिलूँगी मैं आपसे, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ना क्या करते हैं देखो, अभी अभी ऑफिस गए हैं और पूरा इतने सारे ड्रेसेस, एक शर्ट पहनी, अच्छा सूट नहीं हो रही है, तो ये सारे वो ट्राई करके गए हैं, इतने सारे जीन्स पैंट के साथ, ये सूट नहीं हो रहा वो सूट नहीं हो रहा करके ये सारे के सारे पहन के गए हैं, और अब वो तो पहन के ट्रायल करके चले गए, अभी मेरे को ये सारे जो है प्रॉपरली फोल्ड करके अंदर रखने हैं। दिखाती हूँ, काउंट कराती हूँ कितने हैं, 1 2 3 4, ये वाला पहना नहीं है, 5 6 7 8 9 10, 10 कपड़े हैं जो वो अभी ट्राई करके गए हैं। बाप रे। और अभिषेक को अभी नहलाना है, तो ऑलरेडी बाथरूम में वो पानी के साथ खेल रहा है, मुझे नहलाना है इसको फोल्ड करने के बाद, और उसके बाद ग्रॉसरी अरेंज करनी है, तो यार मैं तो कोई एक कपड़ा डिसाइड कर लूँ उसके बाद चेंज ही नहीं करती है करती हूँ चेंज ही नहीं करती है चेंज ही नहीं करती हूँ। जब कॉलेज में थी या जॉब करती थी तब तो एक कपड़ा पहनने के बाद उसका नंबर जो है 1-1.5 महीने बाद ही आता था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन ये पहले भी ऐसे ही करते थे और अभी भी ऐसे ही करते हैं ना, हमारी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है लेकिन जेंट्स की चेंज नहीं होती। चलो अभी फोल्ड कर लेते हैं, पाउडर कुछ ज़्यादा ही लगा लिया मैंने, हैं क्योंकि पसीना आ रहा था ना, तो थोड़ा पाउडर जब ज़्यादा लगा देते हैं ना तो पसीना कम आता है, तो इस चक्कर में मैंने ज़्यादा थोप लिया था और वो पैची पैची सा हो गया। एनी हाउ चलता है। कपड़े वपड़े रख दिए हैं, मेरे को इनके काम देख के कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वाइस वर्सा होने चाहिए थे हम लोग, इनको मेरी पति होना चाहिए था और मुझे इनका पति होना चाहिए था, लगता है लगता है कि नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी कारनामे करते रहते हैं ना, ये ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, जैसे सारी एक्टिविटीज़ में मुझे लगता है कि उनको मेरी पत्नी होना चाहिए था मैं ये चीज़ उनको भी बड़ी सारी बार बोल चुकी हूँ, उल्टा होना चाहिए था हम दोनों में, लेकिन ऐसा हो गया, लेकिन क्यों बनाया भगवान ने, उसका जो असल रीज़न है ना पता करना पड़ेगा। तो चलिए अभी ग्रॉसरी अरेंज करते, और अभिषेक को भी नहला दिया मैंने कपड़े रखने के बाद, नहला दिया वो भी हॉल में इधर उधर घूम रहे, टीवी लगाया था उसके लिए पेपा पिग, बहुत ही पसंद है उसको, तो पेपा पिग देखता रहता है जब देखो। तो ये देखिए, ये है मेरे ग्रॉसरी बॉक्सेस, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं उनके लिए हैं। तो सारे ग्रॉसरी के आइटम्स जो है मैं इस बड़े वाले में रखती हूँ, तो वो मैं रख लेती हूँ, और हर एक के लिए अलग अलग बॉक्स है, बच्चों के लिए अलग बॉक्स है, बाथरूम के लिए अलग बॉक्स है, सबके लिए अलग अलग बॉक्स है, तो लेट मी सॉर्ट इट। अरेंज कर दिया, तो ऐसे बॉक्सेस रहते हैं तो पता रहता है ना कौन सी चीज़ किस में डालनी है, तो जल्दी हो जाता है। और क्या काम है आज, और कुछ काम है क्या, कभी कभी कुछ चीज़ें ना भूल जाते हैं, तो अभी इसके बाद मैं एडिटिंग करने वाली हूँ, लंच से पहले या लंच के बाद में जो है पूरी एडिटिंग चलती रहती है, थोड़ी देर के बाद में मिलेंगे एडिटिंग खत्म होने के बाद में। फाइनली हमारी एडिटिंग समाप्त हो चुकी है और हम फिर से यहाँ पे प्रस्तुत हो चुके हैं, तो कल के वीडियो के नीचे भी हमको खूब सारे कमेंट आए थे कि आपने ये लिपस्टिक कौन सी लगाई है, हमको नाम बता दीजिए, तो इसलिए अभी बता रही हूँ मैं आपको, इसलिए मैं ये लेके भी बैठी हूँ। तो ये कलर बार की है और इसका नाम है हाई टी 77 V 4.2 ग्राम्स,
तो आप चाहे तो ले सकते हैं। तो एक और चीज़, कल से यानी कि 8 तारीख से, 8 ऑफ सितंबर से purple.com पे भारी सेल शुरू हो रही है, वो भी 5 ब्रांड्स पर। और वो 5 ब्रांड्स कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको। मेरे पास फ़िलहाल 5 ब्रांड नहीं है, मैं जो ऑलरेडी यूज़ करती हूँ वो बता रही हूँ आपको। मेरे पास जो ऑलरेडी कब से लॉन्ग टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, एक है एल्ब गुडनेस। एल्ब गुडनेस पे फ्लैट आपको 50% ऑफ मिलने वाला है, और ये है बायोटेक का। बायोटेक पे आपको 30% ऑफ मिलेगा, और एस क्यू पे भी आपको 50% ऑफ है, और कलर बार पे भी 40% के आसपास ऑफ है। और एक और आइटम क्या है, VLCC प्रोडक्ट्स। सो VLCC पे भी आपको अच्छा खासा ऑफ है। और VLCC का मैं सोच रही हूँ कि मैं फेशियल, मैंने मतलब हमेशा पार्लर वार्लर में कराया लेकिन घर पे कभी नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ VLCC का फेशियल किट एक मंगाऊँ और उसके बाद जो है दिखाऊँ। अभी तो फिर मेरे पास है नहीं, लेकिन सेल चल रही है तो सस्ते में मिलेगा तो अपन ले लेंगे। और उसके अलावा ये एल्ब गुडनेस का भी काफ़ी अच्छा है, मैंने पूरे घर वालों को आदत डाल दी है। देखिए आधा ख़त्म भी हो चुका है, आधा ख़त्म भी हो चुका है, तो मैंने सबको आदत डाल दी, क्योंकि ये जैस्मिन वाला फ्लेवर है और इससे नहाने के बाद ना बाथरूम में इतनी अच्छी सुगंध आती है ना, और सब लोग इसी से नहा रहे हैं, तो साबुन की हो गई है छुट्टी। और अभी और भी हम बिल्कुल छुट्टी कर देंगे, क्योंकि सेल में हम और भी ले लेंगे। सेल में पक्का ना, जब भी कोई सेल चल रही होती है ना तभी आपको ना ज़्यादा शॉपिंग करनी चाहिए, वरना जब तक सेल नहीं है ना तब तक कार्ट में डालते रहो डालते रहो, और जब सेल आ जाए फट दे से परचेज कर लो, सबसे पहला हाथ मारो। तो ये इन ब्रांड्स में से मेरे ये फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। कलर बार का मैंने ये अभी लगाया है, तो कभी कभी मैं अभी जो दूसरे शेड्स भी देखते हैं दूसरे शेड्स भी लगाती रहती हूँ, तो ये कल लगाया था दिखाने के लिए बता दिया। दूसरा रेगुलर टाइम में मैं ये वाला एसक्यू का लिक्विड आइलाइनर लगाती हूँ, क्योंकि ये लगाने में बड़े इजीली लग जाता है, इसका ये जो है ना एप्लीकेटर बहुत इजीली लग जाता है। देखो बातें करते करते हम लगा भी रहे हैं, हाफ से लगाया, फुल नहीं लगाया। तो देखिए लग भी गया। जब आप हाफ आंख से लगाते हैं ना, हाफ से शुरू करके हाफ पे लगाते हैं, तो आपकी आंखें और भी बड़ी दिखती हैं। जिनकी छोटी आंखें होती है ना उनके लिए ये बहुत यूजफुल टिप है। तो ये हो गया। और लिप बाम मैं निविया का भी लगाती हूँ और बाकी ब्रांड्स का भी लगाती हूँ, लेकिन ये जो बायोटिक का लिप बाम है ना, ये थोड़ी मतलब एक बार लगाओ और मैक्सिमम आवर्स चल जाता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये है। और VLCC का फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो जब होगा तब आपको दिखा दूँगी, चाहे मैं दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, सेल चल रही तो आप ही हाथ मार ही लेना, क्योंकि नॉट ओनली फेशियल किट और भी बहुत सारे आइटम्स है वहाँ पे, क्रीम्स हो गई VLCC की और पता नहीं क्या क्या सब कुछ है वहाँ पे। तो एक जो है खिड़की में से झांक लेना कि क्या क्या है, ठीक है। तो इन सब के लिंक्स जो है मेरे पास जो भी आइटम्स अवेलेबल है सारे लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी, और अपना कूपन कोड भी दे दूंगी आपको, ताकि आप जो जिस चीज़ पे ऑफ है उतना तो आपको मिलेगा प्लस मेरी तरफ से, और आपको 10-12% और डिस्काउंट मिलेगा। तो सोचिए अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 50 रुपये तो आपको मिल रही है, और 10% और कर दो तो आपको 40 में मिल जाएगी, है ना फ़ायदे की बात। तो यही था, और कल से है तो भूलना मत, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना, ताकि सीधा आप कल से होगा तो आप लिंक प्रेस करेंगे तो आइटम ज़रूर खुल जाएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि अभी क्या रेट है और कल क्या रेट है, तो यू कैन कंपेयर ऑल्सो। तो ओके, आज का वीडियो बस इतना ही, समाप्त करते हैं इसको यहाँ पे, और कल मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई उमंग के साथ। सी यू टुमारो। डू व्हाट, भूल गए? अच्छा लगा है वीडियो तो चिपकाते हुए चले जाइएगा, और चिपकाने के लिए फिर कल आ जाइएगा, ठीक है। सो लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय बाय।